तो फ्रांस के सफीर को निकालना ही होगा मुल्क से इंशाल्लाह। ताजदारे हतमे नबूवत जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है रमजान मुबारक स्टार्ट हुआ है और आज अब्दुल्ला अली गल पांचवी सहरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर व्लॉग आज का व्लॉग करने शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो यहाँ पर देखें मौसम ज़बरदस्त बना हुआ है। तो हम आए हैं ये हवेली तक शानी भाई के साथ और बारिश भी हुई है कल। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े जो है बिल्कुल ठंडे गुजर रहे हैं हमारे। आपके कैसे गुजर रहे हैं कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो ये हवेली है, तो ये व्यू देख लें यहाँ पर। ये शानी भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ इसको डेरा करते हैं। रहमान भाई रोजे कैसे आपके गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह, जबरदस्त जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें। दोस्तों आपको तो पता ही था हुकूमत ने जो 20 अप्रैल को वायदा किया था ELP के साथ सफीर निकालने के बारे में, वो हुकूमत मुकम्मल तौर पर उससे फिर चुकी है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और साथ रिजवी साहब को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और अकीदा हतमे नबूवत पर हमारी जान भी कुर्बान है। तो अभी जो मुल्क के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, तो अल्लाह पाक इस पर अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, आमीन। तो फ्रांस के सफीर को निकालना ही होगा मुल्क से इंशाल्लाह। ताजदारे हतमे नबूवत जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला हम हक के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हक की फतह होगी। अल्लाह पाक से दुआ के अल्लाह पाक TLP वालों की मदद फरमाए और जो भी कारकुनान इसमें भरपूर शामिल है अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए, उनके हौसले को सलाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में ही अच्छा गुजर रहा है। तो आज ये छोटी सी वीडियो थी मैंने जो अकीदा हतमे नबूवत के बारे में बनानी थी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।